तो सिर्फ 10 मिनट चार्ज करोगे और आपको पूरे एक दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। इसका जो ANC है वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, हमने अपने चैनल पर अब तक कई सारे नेकवेंड TWS ईयरबड्स का रिव्यू किया है। आज एक और बजट रेंज नेकवेंड मेरे पास है आपके लिए, बोट के ये रॉकर्स 255 ANC। 1800 रुपए इसकी लॉन्चिंग प्राइस है और इस प्राइस पर हमें ANC और ENC दोनों ही मिलते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारे फीचर्स ब्रांड ने क्लेम किए हैं। चलो फिर फटाफट इसका धागा खोलते हैं और देखते हैं भाई ये 1800 की प्राइस में वर्थ करता है या नहीं है। पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। इसे एक यूनिट को मैं रिसेल करूंगा अपने ऑनलाइन स्टोर पर और मार्केट प्राइस से आपको काफी सस्ते में मिलेगा। साथ में आपको बिल भी मिलेगा, वारंटी भी मिलेगी, तो विजिट कर लेना मेरा ऑनलाइन स्टोर। इस तरह की पैकेजिंग में ये डिलीवर होता है। बैक साइड में यहाँ कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। भाई इसकी पैकेजिंग बड़ी तगड़ी दी है बोट ने। बॉक्स को ओपन करते हैं, इसके अंदर एक और बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। यह सबसे पहले ऐप डाउनलोड करने के लिए कार्ड मिल जाता है। भाई यहाँ एक पत्ती लगी हुई है, इसको साइड में रखते हैं और पहले इसके अंदर देखते हैं कि भाई क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ बोट की ढेर सारी किताबें और स्टिकर मिल जाते हैं। इस तरह की एक टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है और वही ये कुछ एक्स्ट्रा सिलिकॉन या टिप्स मिल जाते हैं। और ये रहा हमारा नेक बैंड, बहुत लाइट वेट है। वहाँ पर हमें फुल प्लास्टिक बॉडी मिलती है विद फ्लेक्सिबल डिजाइन और आप इसकी नेक को कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हो। इसके दोनों हेड भी यहाँ पर हमें मैट फिनिश में मिलते हैं विद प्लास्टिक बिल्ड, बट ये चीप फील नहीं होते हैं। यहाँ सबसे पहले चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। राइट साइड में यहाँ पर चार बटन दिए हुए हैं। सबसे पहले एक ANC का बटन दिया हुआ है, इससे आप ANC को ऑन ऑफ कर सकते हो। आगे हमें एक वॉल्यूम अप बटन मिलता है, इसके बाद हमें एक मल्टी फंक्शन बटन मिल जाता है, इसके बाद यहाँ पर एक वॉल्यूम डाउन बटन मिलता है। इन चारों बटनों का यूज करके आप अपने फोन का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, कॉल को पिक कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, AI वॉइस असिस्टेंट को ट्रिगर कर सकते हो, इक्वलाइजर मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। सारे सारे कंट्रोल में लगा दूंगा स्क्रीन पर, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। इसमें हमें इस तरह के मैग्नेटिक ईयरबड्स मिलते हैं। ये ईयरबड्स हॉल स्विच के साथ आते हैं। जैसे ही आप इन दोनों को इस तरह से चिपका दोगे आपका नेक बैंड स्विच ऑफ हो जाएगा और जैसे ही आप इनको अलग करोगे आपका नेक बैंड स्विच ऑन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये फीचर मुझे काफी तगड़ा लगा। ये नेकवेंड 32 dB के ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है, बट जब मैंने इसको टेस्ट किया तो ये सिर्फ 10-15% ही नॉइस को कैंसिल कर रहा था और बाहर की 80-85% नॉइस मुझे सुनाई दे रही थी। तो अगर मैं नॉर्मल नेकवेंड या TWS कान में लगाऊं तब भी ये सेम इफेक्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका ANC किसी काम का नहीं है, बेकार है। ANC के अलावा हमें डिफॉल्ट मोड और एम्बिएंट साउंड का ऑप्शन भी मिलता है। डिफॉल्ट मोड हो गया सेम एज अदर TWS या नेकवेंड जिनमें किसी भी तरह का कोई मोड नहीं होता है। एम्बिएंट में क्या होता है कि जो आउटसाइड साउंड होता है वो हमें ईयरबड्स के थ्रू सुनाई देता है, बट उसमें ये बैटरी भी ज्यादा खाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब तिक्रम करने की जगह अगर ब्रांड सिर्फ डिफॉल्ट मोड देता और प्राइस को थोड़ा सा डाउन कर देता तो ज्यादा बेटर रहता। तो आ जाते हैं भाई इसकी साउंड क्वालिटी पर। तो इसमें हमें 13 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं। मैंने जितना भी इसमें मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस किया, 1800 की प्राइस के हिसाब से मुझे इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी लगी। बैलेंस बेस मिलता है जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। इसके अलावा मिड्स एंड ट्रेबल भी बढ़िया है। हाई वॉल्यूम पर भी सॉन्ग की लिरिक्स क्लियर कट सुनाई देते हैं। तो ओवरऑल आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस या सॉन्ग सुनने का एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। एक चीज मैंने इसमें नोटिस करी, जब भी आप वॉल्यूम लेवल को 70% के ऊपर ले जाते हैं तब आपको ऑडियो लीक देखने को मिलता है। इसमें हमें दो इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं, पहला है बोट सिग्नेचर साउंड, दूसरा है बोट स्पेशल साउंड। इस वाले मोड में हमें 3D सराउंडिंग साउंड जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसमें हमें कस्टमाइज इक्वलाइजर मोड बनाने का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप अपने सुनने की कैपेसिटी के हिसाब से कुछ टेस्ट इसके ऐप में देकर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये फीचर भी मुझे काफी सही लगा। कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके अंदर हमें 3 AI ENC माइक्स मिलते हैं, एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन। तो जब भी आप बात कर रहे होगे आपके सराउंडिंग में जो भी नॉइस होगा वो इसके AI माइक कैंसिल कर देंगे। ये है इसका ऑडियो टेस्ट और अभी आप देख सकते हो मैंने अपने लैपटॉप पर फुल वॉल्यूम पर सॉन्ग चला दिया है, तो अच्छा खासा नॉइस है इस रूम में। और अब जो इसकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो इन वाले नेकवेंड से हो रही है, तो आपको क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा भाई कि नॉइज़ी सिचुएशन में आपको किस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिलेगी जब भी आप सामने वाले को कॉल करोगे। गेम खेलने वालों के लिए डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया गया है 60 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ। जितना भी मैंने इसमें गेम प्ले किया उसके हिसाब से मुझे इसकी लेटेंसी 60 तो नहीं लगी, बट बढ़िया थी। फुट स्टेप वगैरह आपको क्लियर कट सुनाई देते हैं, गन शॉट वगैरह जो है वो क्लियर कट सुनाई देते हैं। इसमें हमें ब्लूटूथ 5.3 मिलता है गूगल पेयर के साथ, तो जैसे ही इसको ऑन करोगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपके फोन से अगर आपने पहले से पेयर कर रखा है तो। इसमें हमें डुअल कनेक्टिविटी मिलती है, तो एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। ये IPX4 रेटेड है, तो वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट है, तो आप इसको जिम में या आउटसाइड कहीं पर भी यूज कर सकते हो। भाई अब आ जाते हैं इसके बैटरी बैकअप पर। तो इसमें 360 mAh की
बैटरी लगी है और ब्रांड ने यहाँ पे क्लेम किया है कि आपको 100 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा ANC ऑफ पर और 70 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा ANC ऑन पर, और ये आपको तब मिलेगा जब आप वॉल्यूम लेवल रखोगे 50-60%। मैंने इसको 10 घंटे तक कंटिन्यूस चलाया फुल वॉल्यूम लेवल पर और इसने सिर्फ 30% की बैटरी यूज करी। तो अगर आप इसको 50-60% वॉल्यूम लेवल पर यूज करोगे तो मुझे लगता है कि 70-80 घंटे आपको आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है। यह फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, तो सिर्फ 10 मिनट चार्ज करोगे और आपको पूरे एक दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। गजब है भाई। इसमें हमें बोट वियरेबल ऐप का सपोर्ट मिलता है। ऐप को ओपन करते हैं और ये ऐप यहाँ पर ओपन हो गया है। नीचे आप देख सकते हो कि तीन टैब मिलेंगे, बाहर साइड में तीन टैब दिए गए हैं। पहला है शॉप, तो शॉप में बोट का अगर आपको दूसरा माल परचेस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। माई डिवाइस है, इसके बाद प्रोफाइल है, प्रोफाइल में प्रोफाइल वगैरह आप अपनी बना सकते हो जो कि कोई काम का नहीं है फिलहाल। तो माई डिवाइस में दिखा रहा है हमारा जो नेकबैंड है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साउंड का ऑप्शन दिया गया है, तो आप जो इसका ANC मोड है, डिफॉल्ट मोड है या एम्बिएंट मोड है वो आप यहां से सेट कर सकते हो। ठीक है, जो स्पेशल ऑडियो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमें यहां पर बोट अडेप्टेड EQ का, तो अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है और इक्वलाइजर मोड बनाना है वो आप यहां से कर सकते हो, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद जैसे ही हम जाएंगे रिकॉन्फिगर पर, आप देख सकते हो यहां से आपको कुछ टेस्ट स्टार्ट करने पड़ेंगे और ये जो सारे टेस्ट हैं आपके कान की सुनने की कैपेसिटी के हिसाब से रहेंगे। एक बार ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो कस्टमाइज EQ मोड है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहां पर अगला ऑप्शन है टच कंट्रोल्स का, तो सारे कंट्रोल्स यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद नीचे आप देख सकते हो डायग्नोस माय डिवाइस का ऑप्शन है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप यहां से डायग्नोस कर सकते हो। इसके बाद यहां पर अगला ऑप्शन है सिस्टम का, और यहां पर आप देख सकते हो मल्टी कनेक्टिविटी ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह यहां पर चेक कर सकते हो। यूजर मैनुअल तो यहां पर दिया गया है। तो भाई अब कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को। तो 1800 की प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है और बैटरी बैकअप तो जबरदस्त है। इसके साथ ऐप सपोर्ट भी दिया गया है और भी ढेर सारे फीचर्स हैं। हालांकि इसका जो ANC है वो बेकार है, किसी काम का नहीं है और ना ही देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो अगर ANC आपका कोई कंसर्न नहीं है तब आप इसको कंसीडर कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा वेट करो तो हो सकता है किसी आने वाली डील में आपको अंडर 1500 रुपीज ये मिल जाए, तब आप इसको बाय कर सकते हो। ये वाला एक पीस मैं भी रीसेल करूंगा अपने ऑनलाइन स्टोर पर, तो अगर आप वहां से बाय करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, काफी कम प्राइस में आपको ये मेरे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगा। इस नेकबैंड को लेके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या हमारे चैनल को लेके कोई सजेशन है, किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो तो सब कुछ डाल देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। तो गाइस दैट्स इट फॉर द डे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।